Hi everyone, welcome back to Deepika Kheri's kitchen and this is Deepika Kheri. And आज के इस एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी. और इस आलू मेथी की रेसिपी में मैंने जो आलू यूज करे हैं दैट इज बेबी पोटेटोज, जो राउंड होते हैं एंड स्मॉल पोटेटोज होते हैं, उनको हमने पैन रोस्ट करके एंड देन वी हैव मेड दिस रेसिपी एंड इट इज अमेजिंग रेसिपी आई मस्ट से. तो चलिए मेरे साथ किचन में और देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम लेंगे बेबी पोटैटोस, जिसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से. और अब हम बॉइलिंग वाटर के अंदर आधे से एक टेबलस्पून हम सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद जो बेबी पोटैटोस हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा. तब देखिए इन पोटैटोस को हमें 15 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे. आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं. 15 मिनट के बाद इन्हें पील करके आप इन्हें साइड में रख लीजिए. अब मेथी मैंने साफ़ करके रख ली है और इस मेथी को वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी सी रहती है, तो जो करकरापन है वो हमें इसका निकालना है. तो इसे अच्छे से आप इस तरीके से वॉश कीजिए. अब हम ऊपर ऊपर से जो मेथी है वो हम एक दूसरे बोल के अंदर निकाल लेंगे और जो पानी है उसके अंदर जो मिट्टी या जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रह जाएंगे. तो इस तरीके से हम इसे 3 से 4 बार वॉश करेंगे. पानी हर बार बदलना है वॉश करने के लिए ताकि ये जो मिट्टी है या जो किरकिरापन है वो हमारा निकल जाए. तो 3 से 4 बार इसको वॉश करके हम साइड में रख लेंगे. अब हम अपने मेथी को चॉप करेंगे. देखिए इस तरीके से हम मेथी को चॉप करेंगे स्मॉल स्मॉल उसके अंदर, और सारी मेथी को चॉप करके हम उसको साइड में रख लेंगे. मेथी को मैंने बॉईल नहीं करा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बाकी के इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए ऑयल, फिर हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, फिर उसके बाद हमें चाहिए ग्रीन चिल्लीज, फिर चाहिए हमें लहसुन का पेस्ट या गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा बटर, जीरा, कोरिएंडर, फिर हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर. यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स भी लिए हैं. आप चाहें तो इसे, ये स्टेप ऑप्शनल है तो आप नहीं ले सके तो मत लीजिएगा. फिर हमें चाहिए सॉल्ट. अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल लिया है और उसके अंदर जो हमने पील्ड करे हुए बेबी पोटैटोज़ थे वो हमने इसके अंदर डाले हैं और इनको हमें गोल्डन ब्राउन करना है. आप चाहें तो इसको फॉक से या किसी नीडल से आप इसको वो कर सकते हैं, पियर्स कर सकते हैं, बट मैंने नहीं करा है. इसको 5 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर इसे सॉटे होने दें और देखिए इनका जो कलर है वो कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है. और 5 मिनट के बाद अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में या एक अलग बोल के अंदर हम इन्हें निकाल लेंगे. अब हम सेम फ्राइंग पैन को ही यूज़ करेंगे. ये जो रिमेनिंग जो ऑयल है वो हम फेंकेंगे नहीं. इसी ऑयल के अंदर आप थोड़ा सा और ऑयल ऐड कीजिए. उसके बाद हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे और जैसे ही ये दोनों मेल्ट हो जाएं, बटर मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर जीरा डालेंगे या क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड्स डालने के बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिल्लीज डाल रहे हैं. इससे जो ग्रीन चिल्ली का जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक तरीके से जो ग्रीन चिल्लीज का फ्लेवर है वो पूरे ऑयल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. उसके बाद हम इसके अंदर गार्लिक का जो पेस्ट है वो डालेंगे. आप चाहे तो गार्लिक और जिंजर पेस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं. मैंने इसमें सिर्फ गार्लिक पेस्ट डाला है. उसके बाद हम इसके अंदर अनियंस डाल देंगे. इस पूरे प्रोसेस को होने में सिर्फ 1 मिनट लगा है और अनियंस डालने के बाद हम इसे सॉटे करेंगे. लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे सॉटे करेंगे ताकि जो अनियंस हैं वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए. देखिए अनियंस अब सॉटे हो गई हैं. उसके बाद जितना भी हमारा मसाला था, ड्राई स्पाइसेस जो थे अलॉन्ग विद सॉल्ट, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है. और मसाला तब हम डालते हैं तो जो फ्लेम है वो आप लो पे रखिए क्योंकि मसाला बर्न होने का डर नहीं रहता है. तो आप लो फ्लेम के ऊपर इसको 1 मिनट तक सॉटे करें मसाले को. और सॉटे होने के बाद जो मेथी थी जिसे हमने चॉप करके रखा हुआ था और अच्छे से वॉश्ड जो मेथी थी वो हम इसके अंदर डालेंगे. मेथी का जो फ्लेवर होता है वो बिटर होता है,
तो इसको हमें अच्छे से कुक करना होता है ताकि जो सब्ज़ी है या जो वेजिटेबल जो हम बना रहे हैं उसके अंदर वो बिटरनेस ना रहे। तो हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। देखिए 10 से 12 मिनट तक मैंने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इसे कुक करा है। जितना भी जो वाटर था मेथी का वो इवेपोरेट हो रहा है और मेथी उसी पानी के अंदर कुक हो रही है। 10 से 12 मिनट के बाद जो मेथी है वो देखिए वो ड्राई अप हो जाएगी। एंड देखिए कुछ इस तरीके से 12 मिनट के बाद फाइनली हमारा जो मेथी है वो ड्राई अप हो गई है और वो पैन से अलग हो रही है। और इस टाइम पे हम अपने जो बेबी पोटैटोस थे जो हमने रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो मेथी का फ्लेवर है वो पोटैटोस के सरफेस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और उन्हें बाइंड कर ले अच्छे से। आप चाहे तो एक दो पोटैटोस को अगर आप मैश करके थोड़ा सा और सब्ज़ी को अगर आप और कंसिस्टेंसी टेक्सचर या थिकनेस देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये एज इट इज़ भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी। अगर आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं इस टाइम पर, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप, तो अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए। और अभी मेरा फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पे है। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है। उससे एक टैंगी फ्लेवर रहेगा क्योंकि हमने इसमें टोमेटोज ऐड नहीं करे हैं, तो लेमन जूस इसको बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। वो हम इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसे ऐसे इसको फिर हम कोरिएंडर लीव से हम इसको गार्निश करेंगे। एक बार फाइनल मिक्स कीजिए। ध्यान रहे मेरा फ्लेम इस टाइम पे बंद है और अब हम इसे सर्व करेंगे। आई होप आप सब लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। देखते रहे तो पिकअप केक्स किचन। बाय।